हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय नेम इज़ हरजीत कौर हम कर रहे थे केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो करंट को कंडक्ट करते हैं बाय द डिसोसिएशन ऑफ आयंस आइंस की डिसोसिएशन से ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं आयंस क्या होते हैं आइंस होते हैं पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की जो स्टडी होती है उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की जो स्टडी है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की जो स्टडी है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री राइट तो क्वेश्चंस देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है गुड कंडक्टर्स हैव मेनी लूजली बाउंड गुड कंडक्टर्स जो होते हैं उसमें क्या होते हैं उनमें बहुत सारे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गुड कंडक्टर्स के अंदर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो होती है उनके अंदर वो फ्रियली होती है अब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट अगर फ्रियली होगी तभी तो वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो उसी को बोलते हैं गुड कंडक्टर्स नेक्स्ट फेरेडे कॉन्स्टेंट फेरेडे कॉन्स्टेंट क्या है फेरेडे कॉन्स्टेंट एक न्यूमेरिकल फेरेडे कॉन्स्टेंट एक नुमेरिकल है इसकी वैल्यू क्या है फेरेडे की वैल्यू राइट नेक्स्ट इज द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में से क्यों कंडक्ट होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयंस की मूवमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में से कंडक्ट होती है आयंस की मूवमेंट होगी तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होएगी ना तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ज़्यादा होती है तो वहाँ पे क्या होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द प्योर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होती है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के अंदर जो प्योर एंड इमप्योर मेटल को अलग अलग किया जाता है एक तरह से रिफाइनिंग का काम होता है राइट right? तो यहाँ पे प्योर मेटल और इमप्योर मेटल दोनों अलग करेंगे तो जो प्योर मेटल होगी प्योर मेटल कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी जाकर प्योर मेटल कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगी और जो इमप्योर मेटल होगी वो एनोड पे डिपॉजिट हो जाएगी राइट right? नेक्स्ट द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ पॉइंट वन एम सोल्यूशन ऑफ बेस्ट कंडक्टर जो होते हैं वो कौन से होते हैं पॉइंट वन एम सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पॉइंट वन एम सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 टू एस ओ फोर जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये क्या है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सल्फ्यूरिक एसिड क्या है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और स्ट्रॉ इलेक्ट्रोलाइट है तो इट ये पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है इसीलिए ये क्या है बेस्ट कंडक्टर बन जाता है कौन सा पॉइंट वन एम सोल्यूशन इसका नेक्स्ट है मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस आयंस की फ्रीली मूवमेंट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो जब ये मोल्टन स्टेट में होता है तो उस टाइम पे जो क्रिस्टल होता है है, इसका, वो वो जो ब्रेकडाउन हो जाता है ब्रेक डाउन होकर क्या बनाता है आयंस बनाता है तो इसीलिए मोल्टन स्टेट में जो होता है सोडियम क्लोराइड वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है नेक्स्ट द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल्स डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो डिवाइस कौन सा होता है एक तो होता है गलवैनिक सेल और दूसरा होता है फ्यूल सेल गलवैनिक सेल और फ्यूल सेल दोनों जो डिवाइस है ये केमिकल एनर्जी जो होती है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी नेक्स्ट फॉर विच ऑफ द द फॉलोइंग सेल्स, स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज इज़ जीरो। कौन से सेल के अंदर जो स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज है वो जीरो होती है तो वो है कॉन्सेंट्रेशन सेल नेक्स्ट अ स्मगलर कुड नॉट कैरी गोल्ड बाय डिपॉजिटिंग आयरन ऑन द गोल्ड सरफेस अब जब स्मगलरस है गोल्ड लेकर जाते हैं तो गोल्ड के ऊपर वो कोई भी आयरन की जो है डिपोजिशन नहीं करते क्यों नहीं करते गोल्ड के सरफेस में क्योंकि जो गोल्ड होता है गोल्ड हैज़ हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन गोल्ड का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो आयरन से ज्यादा होता है जिसकी वजह से गोल्ड पे आयरन की डिपॉजिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि जो गोल्ड है ना गोल्ड एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसीलिए जो गोल्ड है गोल्ड के ऊपर जो गोल्ड का सरफेस है उस पर उसके ऊपर आयरन की डिपोजिशन नहीं करी जाती नेक्स्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स स्टॉप वर्किंग आफ्टर सम टाइम बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है कुछ टाइम तक काम करता है उसके बाद काम करना बंद कर देता है तो उसके बाद इसको चेंज करना पड़ता है अब ये काम करना बंद क्यों करता है क्योंकि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना दोनों इलेक्ट्रोड्स का वो इक्वलाइज हो जाता है जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का इक्वलाइज हो जाता है तो उस केस में क्या होता है ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये डेड हो जाता है डेड हो गया मतलब काम करना बंद कर देता है राइट नेक्स्ट वन ऑफ द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन इनवॉल्व द यूज ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसका यूज करते हैं मर्कु क्लोराइड का एच जी टू सी एल टू मर्कु कलोराइड नेक्स्ट है द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है तो दैट इज लिथियम लिथियम जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है क्यों स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम होता है मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने की टेंडेंसी है इसकी वो कम होती है लिथियम की इसीलिए इसको मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द मेटल विच नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वॉटर एंड एसिड इज द मेटल मेटल का नाम हमने बताना है डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एंड एंड एसिड एसिड दोनों में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करती तो कौन सी मेटल है तो दैट इज मरकुरी नेक्स्ट टू प्रोटेक्ट आयरन अगेंस्ट क्रोजन आयरन को क्रोड होने से बचाना है जो आयरन के ऊपर जो है रेड से कलर का क्या बोलते हैं उसको जो जंग लग जाता है तो क्रोजन से बचाने के लिए आयरन को तो उसके ऊपर एक मेटल की प्लेटिंग करी जाती है तो कौन सी मेटल की उसके ऊपर प्लेटिंग करी जाती है तो आयरन को क्रोजन से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की प्लेटिंग करी जाती है किसकी जिंक की प्लेटिंग करी जाती है और ये जो पूरा प्रोसेस होता है जो आयरन के ऊपर जिंक जिंक की प्लेटिंग करी जाती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं तो प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वनाइजेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं गैल्वनाइजेशन राइट नेक्स्ट है डी पोलराइजर यूज इन ड्राइ सेल बैटरीज इज ड्राई सेल बैटरीज के अंदर जो डीपोलराइजर यूज होता है तो कौन सा होता है डीपोलराइजर दैट इज मैग्निज डाइऑक्साइड डिपोलराइजर क्या होता है डीपोलराइजर वो सबस्टांस होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एड किया जाता है जो इलेक्ट्रोलाइट बैटरी होती है इलेक्ट्रोलाइट बैटरी के अंदर एक सब्सटेंस एड किया जाता है सो so दैट कि इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो गैस कलेक्ट होती है उस गैस को रिमूव किया जा सके गैस को रिमूव करने के लिए ये इसको इलेक्ट्रोलाइट बैटरी के अंदर एड किया जाता है राइट right? तो उसको बोलते हैं डीपोलराइजर तो ड्राई सेल बैटरीज के अंदर कौन सा डीपोलराइजर यूज होता है तो दैट इज मैग्नीज डाइऑक्साइड नेक्स्ट है आयरन रस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन को रस्ट लग जाता है तो किसकी प्रेजेंस में लगता है एक तो मॉइस्चर और दूसरा ऑक्सीजन मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों होने चाहिए तो उस केस में जो आयरन है उसको रस्ट लग जाता है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट अटैक्ट बाय द इन्वायरमेंट अब आपने देखा होगा जो कॉपर है या सिल्वर है ये जब इनको ऐसे ही हम रख देते हैं जैसे सिल्वर की ज्वेलरी वगैरह भी होती है तो वो ब्लैक से कलर की हो जाती है या आयरन को हम देखते हैं इसको ऐसे ही हम रख देते हैं आयरन की कोई भी हम जो लेकर आते हैं ऑब्जेक्ट तो उसको वो क्रोड हो जाता है रस लग जाता है राइट तो लेकिन जो गोल्ड है ना गोल्ड पे कोई भी अटैक नहीं होता एनवायरनमेंट का इसको आप जैसे मर्जी रखो गोल्ड वैसे का वैसा ही रहेगा इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती राइट right? क्यों क्योंकि जो गोल्ड है ये एक नॉन रिएक्टिव मेटल है राइट नेक्स्ट द आर्ट ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग वॉज गिवन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो आर्ट है ये किसने दिया था फर्स्ट टाइम तो इसको दिया था फारडे ने राइट right? किसने दिया था फारडे ने राइट दैट्स ऑल फॉर टूडे तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू बाय बाय हैव अ नाइस डे